घर से बाहर में क्यों बैठी हुई हूँ। तो आज है दोस्तों नेहा हड़ताल पे, और ये ऐसा क्यों हुआ ये आपको पूरे व्लॉग में देखने को मिलेगा, तो बने रहिए व्लॉग में। हाँ, दो तीन दिनों से ऐसा क्यों हो रहा है, कभी गाड़ी में कभी दरवाजे पे, मैं क्या कर रही हूँ, ऐसा क्या है। चलिए फिलहाल तो स्टार्ट कर लेते हैं व्लॉग का। और सुबह सुबह की शुरुआत होती है हमारी, इतना सारा रश वाला काम होता है, सुबह की शूट नहीं हो पाई। लेकिन 3 बजे मैं जैसे ही फ्री हुई ना, मेरी अपलोडिंग, बच्चों के सारे काम और सारी चीज़ों से मैंने सोचा है ना कि मैं 3 बजे हमेशा जब फ्री होती हूँ तो मैं 1 घंटा रेस्ट करती थी थोड़ा सा। लेकिन अब मैंने सोचा है ना कि अब मैं 3 बजे से 4 बजे तक रेस्ट ना करके अपने घर में सबको कुछ ना कुछ अच्छा सा बनाकर परोसूंगी, जैसे कि मंचूरियन, स्प्रिंग रोल्स। तो आज मैं बना रही हूँ स्प्रिंग रोल्स, और डेली का कुछ ना कुछ प्लान है, कभी खमन देखने को मिलेगा आपको, और आज से डेली आपको व्लॉग में हमारे कुछ एक चीज़ ऐसी 3 बजे वाली देखने को मिलेगी, और आज 2 देखने को मिलेगी क्योंकि कल और परसों दोनों दिन का व्लॉग है। क्या हुआ, क्यों मैं बैठी हुई थी अनसन पे, और क्यों ऐसा हुआ कि 2 दिन का व्लॉग है, एक साथ सब आपको पता चलेगा। फिलहाल मैं यहाँ पे ना बहुत सारी सब्जियाँ जैसे कि पत्ता गोभी, लहसुन, हरी मिर्ची, इन सबको बारीक कद्दूकस करके और फ्राई कर रही थी। इसमें जाएगा मशरूम भी, लेकिन थोड़ा सा उन सभी चीज़ों को फ्राई करने के बाद। बाकी कड़ा प्लेट में क्या क्या चीज़ें थी आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा, एक आध चीज़ हो सकता है छूट जाए बोलने में, जैसे कि गाजर, हरी मिर्ची, ये सारी चीज़ें। और यहाँ की मिर्चियाँ ना तीखी नहीं होती, ये मेरे पति देव आके वीडियो बना रहे थे। सब कुछ तो ठीक ठाक ही चल रहा था, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ, ठीक है वो तो हस्बैंड वाइफ हैं तो ये सारी चीज़ें नोक झोंक और ये सारी चीज़ें तो चलती रहती, बट ऐसा क्या हुआ था वो आपको पता चलेगा व्लॉग में। ये मैं बना रही हूँ स्प्रिंग रोल, लेकिन स्प्रिंग रोल बनाना मुझे ना, मैं आपको बताऊँ तो मैं पहले बनाती थी बेल करके, ठीक है, एक लोई लेती थी मैदे का और उसके ऊपर रिफाइंड लगाती थी, एक और लोई रख देती थी और फिर उसको बेल देती थी, ऐसे 2 रोटी एक साथ, तो बहुत पतली पतली हो जाती थी, जितना पतला हो सके उतना पतला बेलना होता है। आज दिखाऊंगी आपको थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके, मतलब कि ना जो एक्चुअल प्रोसेस होता है उस तरीके से बनाऊंगी मैं। तो देखते हैं यहाँ पे नेहा क्या बना रही है, और यहाँ देख रहे हैं नेहा कितनी एक्टिंग कर लेती है, और वो एक्टिंग ही नहीं, ये चाय पीने की एक्टिंग थी। हाँ दोस्तों, ये लोग आप बताएं कि नेहा किस चीज़ की एक्टिंग कर रही है, क्योंकि ये थोड़ा सा ना फनी है। तो यहाँ देख सकते हैं मेरे को भी लगा दिया इन्होंने, मैंने नहीं लगाया, कहते हैं ब्लॉग में फ्राई करूंगा, मजा आता है इनको फ्राई करने में एक्चुअली। दोस्तों एक्चुअली होता क्या है कि बीच बीच में ना थोड़े बहुत मेरे वीडियोज बनते रहते इसी बहाने, तो मैं आ जाता हूँ थोड़ा बहुत, वो कर चुल चला देता हूँ। देखिए ये कैमरा के लिए काम होता है, मैंने तो पहले ही कहा था। तो यहाँ पे दोस्तों हुआ एक्चुअली क्या था ये आपको आगे देखने को मिलेगा, तो बने रहिए। और यहाँ पे दोस्तों स्प्रिंग रोल बन रहे हैं, जो कि बन तो रहे हैं स्प्रिंग रोल, लेकिन इसमें क्या क्या पापड़ बेलना पड़ा ये आपको इसमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि पहले बेल के बनाती थी, इस बार मैंने सोचा बेलूंगी नहीं, और पापड़ पापड़ क्या पापड़ हुआ सब आपको पता चलेगा। तो इस बार पता है क्या प्लान किया है, जो इसका एक्चुअल प्रोसेस है वो है ना कि मैदे का घोल बना लेते हैं, जैसे मैं यहाँ बना रही हूँ, 1 कप मैदे में 1.5 कप 2 कप पानी ऐसे कुछ डाल करके नमक स्वाद अनुसार डाल दिया मैंने, ठीक है। इसका घोल तो मैंने अच्छे से तैयार कर लिया, अब इसमें हो जाते हैं थोड़े मोड़े से लम्ब्स, तो उसको हटाने के लिए क्या करते हैं ना, छन्नी से छान लेते हैं। छानने के बाद इसे बिल्कुल पतला घोल होना चाहिए, और इसे डाल फैलाएंगे, अभी गाढ़ा लग रहा था तो मुझे लगा आधा कटोरी और पानी जाएगा इसमें, डालने के बाद मिक्स कर देती हूँ। मतलब टोटल मैं आपको बताऊँ तो इसमें 1.5 कटोरी पानी और 1 कटोरी से थोड़ा कम मैदा ऐसे कुछ लगाया, तो बस ये घोल तो मेरा तैयार हो गया, और इससे बारी आएगी फैलाने की। अब इसमें ना मैं भी लग गई, डीजे सर भी लगे, मतलब हम लोगों ने मिलजुल करके कैसे कैसे से बनाया। और ये व्लॉग था संडे वाले दिन का, उस दिन पापा की छुट्टी थी, तो कनिका को हमने नहीं, अनमोल पापा के साथ था और शायद कनिका सो गई थी, बस उठने ही वाली थी ऐसे कुछ करके था। तो यहाँ मैंने फिर जल्दी जल्दी तैयारियाँ शुरू कर दी, अब इस तरह से मैंने घोल को स्प्रेड किया, और ये जो फर्स्ट वन बना ना, हमें लगा कि घोल ज़्यादा पतला है, बट एक्चुअल में ये बिल्कुल परफेक्ट घोल था, और इसकी जो निकली थी ना बढ़िया फर्स्ट पीस हमारी, इतनी बढ़िया निकली थी, बस किनारे से थोड़ा सा टूट गया था, बट हमें कोशिश करना था कि इसी को वापस से ट्राई करें और बनाएं, लेकिन हमने ना घोल को थोड़ा गाढ़ा कर दिया, इस चक्कर में थोड़े से मोटे पतले छोटे हर तरह के पे स्प्रिंग रोल्स बन गए, बट ठीक है। फर्स्ट ट्रायल के हिसाब से आप लोग बताना कि कैसी थी हमारी ये रेसिपी। और कल मैं बनाने वाली हूँ मंचूरियन, मतलब कि इसी व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा मंचूरियन, जो कि मुझे बिल्कुल परफेक्टली बनाना आता है, और मुझे अपने हाथ के बने हुए मंचूरियन इतने ज़्यादा पसंद है, जिसके आगे मुझे मार्केट वाले भी नहीं पसंद आते हैं, उसकी रेसिपी मैं आपको दिखलाऊंगी बहुत अच्छे से। फिलहाल यहाँ पर ये मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, वैसे मैंने स्प्रिंग रोल्स बहुत बार बनाए हैं लेकिन बेल कर बनाए हैं, बेलने वाला आता है, बट इसका एक्चुअल प्रोसेस यही है कि इसे ऐसे गर्म पानी पे भाप पे पकाओ, फिर थोड़ा सा गैस पे ऐसे सेक लो, बीच से छूट रहा है सब, तो इसको फिर छुड़ाना है हमें, इस तरह से पापड़ जैसा निकाल लेना है, जो कि थोड़ा सा ट्रिकी प्रोसेस था, और फर्स्ट वन ही बेस्ट था, ये देख लो कितना पतला है, ये बिल्कुल बेस्ट था, बट हमने ना
हमें लगा कि नहीं हम और गाढ़ा कर लेते हैं तो और जल्दी जल्दी आसानी से बनेगा, ये बहुत अच्छे से निकल रहा था और लेकिन थोड़ी सी हमने ना गाढ़ा कर दिया घोल, तो बाद में थोड़े मोटे मोटे बना दिए, ये देखो थोड़े मोटे मोटे बनाए हमने, बट ठीक है सारे को हमने इस तरह से रोल कर लिया, मैदे का घोल साइड से लगा करके, और बिल्कुल दिख रहा कितना ट्रांसपेरेंट और कितना पतला पतला बना है। और इसे हम लोग पहले तो सोचे थे कि डीप फ्राई करेंगे कढ़ाई में डालकर, बट फिर हमने सोचा कि चुपचाप तवा पे सेकते क्योंकि सारे अलग अलग शेप के हैं और कैसे डालेंगे कैसे तलेंगे, उससे अच्छा है कि तवा पे सेक लो। मैदा तो ऑब्वियसली पक ही चुका है करीब करीब और इस पे जाएगा तो अच्छे से पक जाएगा। अब आप लोग देख रहे होंगे हर साइज के हैं, कुछ मोटे कुछ पतले हैं कुछ छोटे, लेकिन बने थे इतने ज़्यादा टेस्टी ना कि मतलब बिल्कुल बहुत ज़्यादा टेस्टी थे, मतलब मैं कुछ कह नहीं सकते हैं कि कितने टेस्टी थे। उसे हमने खूब मज़े से इंजॉय किया, पापा ने भी खाया क्योंकि पापा भी मतलब ससुर जी भी आज घर पे ही थे, सब लोगों ने टेस्ट करा। और मंचूरियन पे पापा का क्या रिएक्शन है वो आपको दिखलाऊंगी। और यहाँ पे अनमोल और लड्डू पापा के साथ बैठे हुए हैं और मैं जा रही थी DIY करने के लिए, जो कि मेरी क्राफ्ट वाली वीडियो है ना, थोड़ी सी कई बार क्या हो रहा है ना कि कुछ चीज़ें जल्दी जल्दी में कुछ का कुछ बना के आ जा रही हूँ और थोड़ा कम समय रहने की वजह से ऐसा हो रहा है। और ये देख रहे हो ये दोनों का क्या चल रहा है, ये दोनों एक दूसरे की एक्टिंग ऐसे करते हैं, पापा और बेटी दोनों एक दूसरे के साथ रह के एक दूसरे के साथ एक बहुत अच्छा वाला बॉन्ड शेयर कर रहे हैं, जो मुझे भी देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और हमेशा वीडियोस बनाकर लाडो रानी चैनल में और DJ सर नेहा में मैं ज़रूर डाल रही हूँ। चलिए मैं चलती हूँ यहाँ से आगे, लाइफ फ़िलहाल मेरी पता है कैसी चल रही है, सारे काम और सारी चीज़ें मैनेज करते हुए, फ़िलहाल क्या मतलब अभी तो फ़िलहाल हमेशा ऐसे चले पीछे गड्ढा आगे खाई, कहाँ जाए रे भाई। और इसी में कुछ ऐसे करने वाले भी लोग हैं, अब आप लोग समझ सकते हो तो कितनी रिस्क चल रहे, लेकिन ठीक है चलो जिंदगी है एंजॉय करेंगे मस्त हम लोग सब लोग मिल करके। पीछे कपड़े ऐसे पड़े हैं सारे फोल्ड करने हैं, इतना सारा काम है, लेकिन पहले मैं DIY करूँगी। और चलिए आप लोग साथ हो तो हिम्मत है और मेहनत रंग लाएगी आप लोगों के साथ के साथ, बिना आप लोगों के साथ के कुछ नहीं हो सकता है, आप लोग ही हो मुझे प्यार देने वाले और सपोर्ट देने वाले। यहाँ पे मैंने दो इयररिंग्स जल्दी जल्दी बनाए और क्राफ्ट ने ऑफिशियल में जाएगा ये दोनों, एक पिंक के लिए बहुत कमेंट्स आ रहे थे पिंक कलर के बनाए, फिर मैंने एक ये वाइट कलर वाले अपने दिमाग से सोच समझ के बनाए, अब बनाने तो गई थी कुछ और, मैं सोची थी कुछ अलग हटके बनाऊंगी तो सच में अलग हटके ही हो गया ये बीच वाला, मतलब ये बीच वाला जो वाइट वाला है ना वो, और ये बीच की सारी मोतियाँ हटा देते हैं और फिर इसे अब पैक कर देते हैं बढ़िया सी इसकी वीडियोज़ वगैरह ले करके। गेट रेडी विथ मी भी करना है, लेकिन आजकल गेट रेडी विथ मी वीडियो बनाने का टाइम पता है कई बार ऐसा हो जा रहा है ना, रात के 12 बजे मेरी शूटिंग चल रही है वीडियोज़ की, ऐसा हो जा रहा है DIY वाले वीडियोज़ की वजह से, क्योंकि मैंने एक चैनल एक्स्ट्रा वो किया है ना क्राफ्टर ने ऑफिशियल, बट ठीक है धीरे धीरे मैनेज करते हुए आदत हो जाएगा। और ये देखिए मैं पहन के रेडी तो हो गई और अभी जा रही थी मैं मार्केट, घर में इतने सारे चूहे हो रखे हैं उनका इंतज़ाम करने के लिए, और क्या हुआ इंतज़ाम वो आपको लाडो रानी चैनल में देखने को मिल जाएगा। और बहुत अच्छे से पूरे घर की क्लीनिंग भी होने वाली है क्योंकि सारे चूहों का सफाई हमने कर दिया, और पूरे घर की अच्छे से क्लीनिंग करेंगे DJ सर और मैं करूँगी किचन की क्लीनिंग, तो आपको इसी व्लॉग में नेक्स्ट डे का जो व्लॉग है ना वहाँ से आपको देखने को मिलेगा हमारा बहुत सारा कुछ ऐसा जो सोचे नहीं थे जो हो गया और फिर पता नहीं क्या हुआ। यहाँ मैं जा रही थी मार्केट कुछ वही सामान लेने के लिए और बहुत सारी जैसे मसाले वगैरह ख़त्म है, खड़े मसाले ये सब लेने थे, तो बस पहुँच गई मार्केट। और मार्केट में पहुंचते ही मुझे सबसे ज़्यादा मेरा फेवरेट पार्ट जो रहता है ना वो है खड़े मसालों वाला, मुझे इतने ज़्यादा पसंद है, मुझे ऐसा लगता है ना सारे पैकेट्स ले लूँ थोड़े थोड़े, और बस शाम में दो भी मतलब जो भी थोड़े बहुत शॉपिंग होती है ना DJ सर जाते हैं जैसे सब्जी लेने चले गए या कुछ भी छोटे मोटे सामान, तो मैं साथ में चली जा रही हूँ आजकल क्योंकि मेरे ये DIY वाले जो बनाती हूँ ना पहनती हूँ ईयरिंग्स और ये सब, तो इनके वीडियोज़ भी बन जाते हैं और सब लोग पता है सब लोग देख रहे थे मेरी ईयरिंग्स की तरफ, सब लोग नहीं देख रहे थे मतलब कुछ लोगों की नज़र जा रही थी कि ये क्या पहन रखा है, बताइए आप लोग कैसी लग रही थी। और ये देखिए घी वाली बाजरे की रोटी DJ सर की, और ये देखिए लड्डू खाएंगी बोल रही है हाँ खाएगी, और वो पापा का खाना था रात का खाना हो गया कंप्लीट, अच्छे से बन जाता है रात में खाना, तो हमारा सुबह सुबह पापा की दूध रोटी लगा दी है। और इधर सरसों का तेल लेके जा रही थी दोनों बच्चों की मालिश करने के लिए, और इधर मैंने ना खमन के लिए चना दाल और उड़द दाल, मतलब कि करीब 2 कप चना दाल में 1 कप उड़द दाल, उड़द दाल मतलब वो जो सफ़ेद वाली दाल होती नहीं, ये डालकर भिगो तो दिया कि शाम में बनाएंगे खमन यानी ढोकला, लेकिन तबीयत इतनी बिगड़ी कि ना तो इसको मैं पीस पाई ना कुछ, दोपहर में कुछ नहीं बना पाई। DJ सर ने जैसे तैसे सब्जी बनाया और मैंने तो सुबह सुबह मैगी ही
बनाकर खा लिया था। तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। फिर 1:30 बजे पापा आए तो उस वक्त रोटी रिजेसर लेने गए हुए थे और मैं उनको कह रही थी कि मेरी दवाई भी लेके आना, बट वो मेरी दवाई ही नहीं लेके आए। तो यहाँ पे देखना दोस्तों, नेहा हड़ताल पे बैठी हुई थी ना, हड़ताल पे बैठने के कारण नेहा ने आपको बता ही दिया होगा, लेकिन दोस्तों आपको आपने देखा होगा कि हमारे घर में खूब चूहे बहुत सारे हो गए, जिसकी वजह से आज पूरे घर की क्लीनिंग में लगा हुआ था और क्लीनिंग के साथ बच्चों को भी देखना है और बाकी काम भी बाहर के भी करने होते हैं। तो ये सारे काम करने के बावजूद नेहा आगे कहा कि बस अभी मेरा दवा लेके, आपने कहा 2 मिनट रुक जाओ। तो नेहा गेट पे आके बैठ गई और कहने लगी कि मैं जा रही हूँ दवा लेने। मैंने कहा चलो ठीक है, पहली बार नेहा ने कुछ अच्छा काम करने को कहा है तो वो जा रही है दवा लेने। तो मैं 10 मिनट वेट किया, मैंने कहा दवा लेके आ जाएगी, आधे घंटे वेट किया तो उसके बाद पता चला कि नेहा तो गई नहीं, बाहर बैठी हुई है। और ये बताने के लिए कि मैं बाहर बैठी हूँ, उन्होंने फिर ना दोस्तों कनिका से आवाज़ लगवाई, तो फिर मुझे पता लगा कि अच्छा कनिका और मम्मी दोनों बाहर ही हैं। तो ऐसा हुआ ना कि ये आ ही नहीं रहे थे निकल के, और बस मुझे शाम के आप लोग देख रहे हो मंचूरियन की तैयारी में लग गई, मुझे ये सब भी बनाना था और दवाइयाँ खाऊंगी नहीं, ठीक होंगी नहीं तो कैसे बनाऊंगी। सुबह से कुछ बनाया नहीं, ऐसे दाल चावल यही खा के बैठी हुई थी और रोटियाँ तो पापा की बाहर से आ गई थी, सब्जी डीजे सर बना दिए थे। हर सच में घर की क्लीनिंग कर रहे थे, लेकिन मुझे कल किचन की क्लीनिंग करनी है, वो भी अब वीडियो बनाऊंगी। यहाँ मैंने क्या किया है ना, पत्ता गोभी, गाजर, हरी मिर्ची, खूब सारे लहसुन सबको बढ़िया से बारीक कद्दूकस कर लिए हैं और पानी नमक डाल दी थी ना तो पानी छूट गया, वो पूरा का पूरा सब्जी निचोड़ के अलग कटोरे में कर लिया है। उसमें से 1 चम्मच निकाले हैं मैंने ग्रेवी बनाने के लिए, बाकी इसमें मैदा और जो सोया सॉस होता है ना वो डाल करके इसे अच्छे से मैश करूंगी। और मैं बहुत ज़्यादा सूखा नहीं बनाती हूँ और बहुत ज़्यादा इसे गीला नहीं करती हूँ, बिल्कुल मीडियम का रखती हूँ और इसे अच्छे से इसके बॉल्स बनाती हूँ। बॉल्स ऐसे बनाती हूँ ना जो कि एक होता है ना कि बहुत फिनिशिंग से एकदम चिकने चिकने गोल गोल बना दो, वो मज़ा नहीं आता है खाने में, पता है। ये इस तरह से बनाओ ना, थोड़े से हाथ पे ऐसे ले करके, ये वाला आप बना के देखना, मज़ा आ जाएगा खाने में। और ये बहुत अच्छे से, इसमें नमक तो डाल दिया था मैंने पहले ही सब्जियों में, बट फिर मुझे बाद में लगा थोड़ा सा नमक कम है तो मैंने इसमें नमक भी मिला लिए हैं। और ये सारे बॉल्स बनाकर इसे डीप फ्राई करना है, मतलब कि खूब सारे सरसों के तेल में मैं तल रही हूँ, आप चाहो तो रिफाइंड ऑयल में बना सकते हो, क्योंकि जो ये सारे सब ये सारी चीज़ें जो बनती है ना फास्ट फूड, ये रिफाइंड ऑयल में ही बनाई जाती है और बाकी सब्जियां जो घर की बनती है वो सरसों तेल में, बट हम लोग ना रिफाइंड ऑयल तो रखते नहीं और पता नहीं क्यों हमें सरसों तेल का स्वाद बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो बस ये, और यहाँ मैंने मशरूम, प्याज, पत्ता गोभी, लहसुन, हरी मिर्ची सबको बारीक काट के उधर फ्राई करने के लिए चढ़ा दिया है थोड़े से सरसों के तेल डाल करके। वो फ्राई हो रहा है उतनी देर में मैं इधर घोल तैयार कर रही हूँ, जिसमें कि 1 चम्मच मैदा और बाकी 1 कटोरी पानी है, 1 चम्मच से भी कम मैदा होगा। और एक तरफ मेरे बॉल्स भी तले जा रहे हैं, डायरेक्ट गरम गरम ही उधर साइड डालूंगी। और यहाँ हमारे पतिदेव वीडियोस बनाने में लगे हुए थे मेरे, मैंने कहा मेरी छोड़ दो, मेरी हालत दिख रही है, मुझे माइग्रेन की वजह से सुबह से बहुत ज़्यादा उल्टी आ रही थी, सर चकरा रहा था और पता है उस हालत में मैं गाड़ी में जाके आवाज़ डाल के और भाग आ रही थी। एक वीडियो में आवाज़ डाल रही थी और इतनी तेज़ मुझे वॉमिटिंग आ रही थी, मैं भाग आ रही थी। मैंने ऐसे ऐसे करके कल के 5 से 6 वीडियोज़ में, क्योंकि कनिका का चैनल है मेरा, क्राफ्ट नेहा वाला चैनल है मेरा, है व्लॉग है सब में, जैसे तैसे मैंने आवाज़ डाले थे कल, मेरी हालत मैं जान रही थी कैसे कैसे कर रही थी, उसी में बच्चों के भी सारे काम थे तो बिल्कुल। लेकिन दवाई खा के 1 घंटे रेस्ट की हूँ और अब आके लगी हूँ मैं इधर किचन में, तो थोड़ा लेट हो गया था बट ठीक है, लेट से बनेगा तो पापा भी ऑफिस से आने वाले। सब्जियाँ फ्राई करके इसमें मैदे वाला घोल मैंने डाल दिया था और इसमें डाल दिया था थोड़ा सा और सोया सॉस और उसे अच्छे से पकाया है धीमी धीमी आँच पे, बीच में तेज करके भी। और जब हम लोग घोल में हाथ लगाते हैं ना तो वो चिकना होना चाहिए, तो मतलब अच्छे से पक चुका है। फिर सारे बॉल्स डाल दिए और थोड़े से कच्चे प्याज और धनिया के पत्ते और हरी मिर्ची ऊपर से काट के डाल दिए हैं, जो कि थोड़ा सा खाने में कच कच आएगा, मज़ा आएगा खाने में। और बस यहाँ पे है हमारी प्लेट तैयार, मैंने अपने में सॉस भी डाला, मैंने अपने और डीजे सर वाले में, पापा ने खाया, पापा को भी बहुत अच्छा लगा। फिर मैं आ गई थी इधर ब्रेसलेट बनाने के लिए, जो कि मैंने छोटी छोटी मोतियों वाली एक ब्रेसलेट बनाई है। रात में बना रही थी रोटियाँ, बहुत लोगों के कमेंट्स आ रहे कि आपकी रोटियाँ अलग क्यों दिखती है, तो मैं आपको दिखलाती हूँ कि अलग क्यों दिखती है। कई घरों में रोटियां गैस चूल्हे पे पकाई जाती हैं और कई घरों में रोटियां तवा पे पकाई जाती हैं, तो मेरी डिफरेंस इसलिए दिखती है क्योंकि मैं ना हमेशा तवा पे पकाती हूँ और मैं आज एक फुला के दिखाई हूँ गैस वाले भी, शायद हो सकती है आपकी रोटियाँ वैसी दिखती होगी। और ये बाजरे की रोटी खा के आप में भी ताकत आ जाएगा, आजकल मैं डेली एक बाजरे की रोटी सभी को दे रही हूँ, मतलब ससुर जी को, डीजे सर को और मैं भी खा रही हूँ। बाकी दिन में मैं पतिदेव से नाराज़ हो गई थी, क्या वो सही था नाराज़ होना, वो मेरी दवाइयाँ ही नहीं ला के दे रहे थे। और यहाँ बैंगन का चोखा भी हमने बनाया, वो कह रहे थे कि दवाई नहीं खाना चाहिए, ऐसे ही ठीक हो जाओगी, और मेरी ठीक हो नहीं रही थी, मुझे इतनी वॉमिटिंग्स आ रही थी और मेरे काम भी रहते हैं बहुत सारे, तो बस इस वजह से मैं थोड़ी सी नाराज हो गई थी। और रात में ये सारा खाना लगा हुआ था, इस बीच में कनिका रानी ने हमारे चक्कर कटवा दिया हॉस्पिटल के, और बस फिर यहाँ से हम दोनों एक जैसे बैठे हुए, हम दोनों के मुंह एक जैसे दिख रहे हैं ना, बस यहाँ से दिखा के हम लोग फिर घर आए। और
थोड़ा सा वो होता है ना, सावधानी हटी और बस डॉक्टर की पर्ची कटी, वैसा ही हुआ था हमारे साथ। ठीक है, दवाइयाँ लेकर के आ गए, डीजे सर बहुत थक गए थे। मैंने कहा तुम थोड़ी देर गर्म पानी में पैर डाल के बैठो, दे देती हूँ और मैं उतनी देर में अपनी गेट रेडी विथ मी करके और सारी वीडियोज़ बना लेती हूँ। और ये सब करते करते हम लोगों को रात के 3 बज गए हैं। बच्चों को सुलाने के बाद हम लोग लगे थे एडिटिंग में और रात के 3 बजे सोए हैं और फिर सुबह उठकर सारी अपलोडिंग और सारे काम वैसे ही करने हैं। रश में किचन की भी क्लीनिंग करनी है। देखो मैंने आज ये ब्रेसलेट बनाया था ये पहन के, और बहुत सारे कलेक्शन दिखलाए हैं इयररिंग्स वाले, सब अलग से अपलोड हो चुका है, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्यार एंड सपोर्ट दीजिएगा। अभी 11:30 बजे, अब यहाँ से एडिटिंग में लगेंगे तो हमें 2 से 3 बज जाएगा। बस मिलते हैं।